भगवंत मान ने बीजेपी नू कहा खरीदो फरोखत करण वाली पार्टी। खरीदण वाला तुहाडे विच है की कहा अनिल सरीन ने। आम आदमी पार्टी पंजाब प्रधान अते संसद मैंबर भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी उत्ते पंजाब दे आगुआं दी खरीदो फरोखत करन दा दोष लगाया। मान ने कहा कि भाजपा दे एक सीनियर आगू ने पिछले दिनी उन्हां नूं वी पैसियां अते कैबिनेट रैंक दा लालच देण दी कोशिश कीती। उन्हां कहा कि इन्ना आसान नहीं मान नूं खरीदना। मान ने कहा मेरे किसानां ने जिस पार्टी करके शहीदियां पाईयां ओह उस पार्टी वल कदे भी मूंह नहीं करनगे। उन्हां कहा कि समा आउण ते उस नेता नूं भी बेनकाब करूंगा। इस तो इलावा उन्हें कहा कि भाजपा का पंजाब विचों सफाया हो चुके है, हुण ओह होरना पार्टियां दे सहारे पंजाब दी सत्ता च आउणा चाहुंदे ने। पंजाब दे लोक इह कदे भी बर्दाश्त नहीं करनगे। पर बीजेपी जिहड़ी है वह जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत करती है, भावें वह बंगाल च कीता होवे, उन्होंने भावें गोवा च कीता होवे, भावें मध्य प्रदेश जिथे मर्जी, उन्होंने यही कुछ आता है। अज मैं जो खुलासा कर जा रहा कि मैनू चार दिन पहला बीजेपी के एक बहुत वड्डे नेता का फोन आया, बहुत वड्डे नेता का। उन्हें मैनू कहा कि मान साहब तुसी दसो बीजेपी च आउण दा की लाओगे, की रकम चाहीदी है वो दस दो, जां फिर क्योंकि तुसी एमपी हो और तुसी इकलौते एमपी हो इस करके तुहाडे ते एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुंदा, जे तुसी बीजेपी च आ जाओ अस तुहानू कैबिनेट मंत्री बना देंगे, तो यह दस दो किहड़ा महकमा चाहिए कैबिनेट च, पोर्टफोलियो किहड़ा चाहिए सानू दसो। मैं उन्होंने कहा कि जी मैं मिशन ते हाँ, मैं कमिशन ते नहीं हैगा। मिशन ते कमिशन च कक्के दा ही फर्क हुंदा। मैं कहा वो होर होणगे जिन्हां तुसीं खरीद लैंदे हो, वो नोट हजे बने नहीं जिहड़े भगवंत मान नूं खरीद सकन। मैं अपना करियर पीक ते जदों सीगा, पैसे कमाउण वाला करियर छड्ड के पंजाब दे हक च आया मैं, और पार्टी जिहड़ी है वह मैं आप बनाई है, खून पसीने दे नाल सिंजी आम आदमी पार्टी 2014 तो लैके हुण तक। तो लोग मेरे ते विश्वास करते हैं कि हाँ ये जिथे खड़ा खड़ा है, तो वह विश्वास नूं खरीदना चाहते असल च बीजेपी वाले। बीजेपी कोले इन्ने पैसे नहीं है कि वह भगवंत मान नूं जां उहदे वर्करां नूं जां उहनूं प्यार करन वाले वलंटियरां नूं भमक्कड़ां नूं खरीद सकन। मोरओवर वह पार्टी जिहड़ी 750 किसानां दी जान लै चुकी होवे, वह पार्टी जिहड़ी लखीमपुर खीरी दे विच कीड़े मकौड़ियां वांगू किसानां दे उत्ते गड्डियां चढ़ा के उन्हां नूं दरड़दी होवे, वह पार्टी जिन्हें पूरा एक साल किसानां नूं मावां नूं भैणां नूं बजुर्गां नूं सूली ते टंगी रखिया दिल्ली दे बार्डरां ते, ते वह पार्टी जिहड़ी मेरे चाचियां तायां नूं मेरे छोटे वड्डे भाइयां नूं गुंडे मवाली देशद्रोही होर पता नहीं की कहिंदी होवे, उन्हां दी कुर्सी नालों मैं जे दो रोटियां खाना एक खा लूँगा, जे एक खाना अद्धी खा लूँगा, अद्धी खाना तां भुखा रह लूँगा, पर मैं जमीर मार के उन्हां दीआं कोई कुर्सियां जां कोई उन्हां दीआं लाल बत्तियां जां पोर्टफोलियो मैं एक्सैप्ट नहीं करूँगा। ये 72 दिन दा रिपोर्ट कढ़दे रहे ने जनाब, हिसाब पौने 5 साल दा होगा, हिसाब कल्ले 72 दिनां दा नहीं होगा। क्या लो जी 72 दिन मेरे देख लो, तो हुण मैनूं वोटां 5 साल वास्ते पा दो, ये किवें होगा जी।
पौने पांच साल दे साब होंगे जी, किन्ने टीचर कुट्टे ने, किन्ना तुसी माफिया लुट के लै गया, किन्ना रेता, किन्ना केबल, किन्ना ट्रांसपोर्ट। सो इस करके ये ना कहो कि तुसी ड्राइवर बदल के कह दोगे कि ये बस हुण ठीक होगी। मैं पहला भी कहा जदों अली बाबा चाली चोर सरकार सी, अली बाबा बदल लिया, बाकी चाली उही ने, वो तो नाल बहिंदे ने सारे कैबिनेट च ने सारे। वह किसी भी कांग्रसी दी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भाषण उस सुखबीर का ना ही है नहीं, उस केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल, बस होर कुछ ही नहीं। दूजे पासे भगवंत मान नूं भाजपा दे स्पोक्सपर्सन अनिल सरीन ने करारा जवाब दिंदिया कहा कि उन्हां विच अजिहा की है जिहड़े ओह उन्हां नूं खरीदणगे, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 2017 ਚ 17 MLA ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਲੈਸ ਔਰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਘੜੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ MLAs ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ 2017 ਚ 20 MLA ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 10 MLA ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਲਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਮਨ ਘੜੰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।